देवेंद्र सिंह महानपुर से धन्यवाद। एक लड़की जन्मी और लड़की का पैदा भाई मेनका बाद लड़की अखंड वर्षी के आश्रम को छोड़ के कार्य को मातमा न तो वो घर बाहर रही और जो देवलोक से नाम रखा गया था कौशिक मुनि वो नाम उचरो नाम रख गया वैश्या मित्र। अब वो जो लड़की थी शकुंतला जब वो पड़ी भई है तो इस आश्रम पर एक दिन महाराज दुष्यंत आए थे दुष्यंत और दुष्यंत महाराज ने जब ये लड़की पसंद की तब कही मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तब लड़की बोली महाराज मेरे गुरु इस समय नहीं है मैं शादी नहीं कर सकता। तो राजा ने की तो मैं ठहर नहीं सकता तो ऐसा करो गंधर्व विवाह कर लो और जब चाहे गुरु जी आ जाए कभी तुम मेरे नगर को आ जाना तुम मेरी पटरानी बनकर रहोगी। तो गंधर्व विवाह हुआ शकुंतला का दुष्यंत का लेकिन काबोली लड़की जब विदा करें तब महाराज चाहे तो रहे हो पर ऐसो मत करियो मोर का उदन भूल जाओ। तो राजा ने वो हाथ की अंगूठी दिया जिस पर दुष्यंत नाम लिखा हुआ ले अगर मैं भूले हो जाऊं तो जब अंगूठिया लेकर के आना मेरी पहचान। एक दिन राजा तो चले गए लड़की सोच में बैठी थी पति की याद कर रही थी और तो तक दुर्वासा महात्मा न तो पानी की पूछी और न खाने की पूछी पति की याद में लगी रही। सो महात्मा ने श्राप लगा दिया कि जा की याद में तू मोय भूली है वो तुझे भूल जाएगा। तब एकदम चेतना गई गुरु जी बहुत बुरा है मेरा गंधर्व विवाह हो चुका है अब वे वो भूलिए काम में तो फिर जा में कोई सुधार के इसमें कुछ ना जा। उस समय श्रोता बंधु जब वो लड़की अपने पति की याद करके चली थी शकुंतला महाराज दुष्यंत के नगर को हालत क्या थी। सुनो सभा धरी ध्यान अरे समय लाए पल भरी की रेखी दस दस रुपए सभी कथावाचक मंडली के लिए है धन्यवाद। अरे विधि गति yeah
ध्यान करें केवल दो मिनट और बस। जिस समय लड़की पानी पी रही थी ताल में, वो राजा की दी हुई अंगूठी ताल में गिर गई, और जिस समय राजा के चौक में खड़ी गई तो महात्मा का श्राप लगा हुआ था, शकुंतला को राजा ने नहीं पहचाना। राजा ने, कौन हो तुम, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला बोली, रोहन जी का है वो, ये तो पहचानते हूं मैं। तो देखो क्या बोली है शकुंतला, बीच चौक में खड़े होकर के हाथ जोड़े हैं। तुमने सुना होगा रसिया भजन, जो हमारे महाराज जी भी गाते हैं, रात को सुनते हो, फागुन के महीना में गाए जाते हैं। तो लड़की बोली है भरी समाज में राजा की तरफ हाथ जोड़ क्या, अरे सैया I'm
लड़का जब जन्मा उसी लड़के का नाम भरत रखा गया। भरत, ध्यान रखना, बाल अवस्था में शेरों की गर्दन पकड़ के दांत गिनता था और इधर एक दिन बाद ताल में परोस जाल, जो मछुआरे ने जाल डालो और वो मछली जाल में फंसी है और वह मछली का उधर जब चीरा उसने अपने घर पे कोई अंगूठी निकली जिसमें महाराज दुष्यंत का नाम लिखा। अब मछुआरों ने कहा, महाराज महाराज चोरी हमने करी ना है, हमारी घरवाले को मिली ना, महाराज मछली के पेट में मिली पार में। महाराज को तब याद है दुष्यंत महाराज रखे चोर के नंगे कदम ही चढ़े रखे, कितना बड़ा अपराध हुआ। वो उस दिन जो आई थी वो मेरी रानी शकुंतला थी और इधर महात्मा ने बच्चे घाट रत्न का मान दिया था कि जंगल में बच्चा रहता है यदि काया को जो छू देगा इस कंकन को तो ये सांप बन के काट देगा, सांप बन जाएगा। और इधर शकुंतला तो खुटी में थी और जो महाराज देखा बच्चा सामने शेर की गर्दन पकड़ के दांत गिन रहा था और वो कंकन छूट के धरती पर गिर गया था। सो राजा ने बढ़ गए और जैसे कंकन को भैया करी शकुंतला ने पीछे से आवाज दी, ठहर जाओ सर्प बन के काट लेगा, अरे मत छुओ। तब तक तो राजा ने वो कंकन उठा के बेटा की बांध में और कंकन बांधो और तब पीछे से बैठी है क्या, भगवान